हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब हम दूसरे 10 वर्ड और सीखते हैं आज। सबसे पहला है अपोजिट, उपयुक्त होता है, और अपोजिट विपरीत होता है। यानी फर्क यहाँ केवल ए और ओ का है। यहाँ स्टार्टिंग में ए आ रहा है तो उपयुक्त है, और ओ आ रहा है तो विपरीत है। अमेंड माने संशोधन करना, और इमेंड माने अशुद्धियाँ निकाल देना। यहाँ पे जब अशुद्धियाँ निकाल रहे हैं तो इमेंड आएगा, ई वाला ई, और अगर संशोधन कर रहे हैं तो ए वाला अमेंड आएगा। एंटिक्स हंसाने के लिए की गई हरकत। एंटिक्स प्राचीन कला की जो वस्तुएं हैं जो संग्रहालय में रखी रहती हैं वो एंटिक्स होती हैं। ANTIQUES एंटिक्स। फिर ANTICS है जो, वो हंसाने के लिए की गई कोई हरकत है। कोई हरकत कर रहा है, वो जोकर जैसे करते हैं हरकत, वो एंटिक्स होती हैं। एप्रेज मूल्यांकन करना होता है, जबकि एप्राइज सूचित करना होता है। एल्यूजन, किसी के संदर्भ में जब कोई बात कह रहे हैं तो हम एल्यूजन यूज़ करेंगे, जबकि अगर कोई भ्रम है तो इल्यूजन यूज करेंगे। बिसाइड के बगल में, जबकि बिसाइड्स के अलावा, यहाँ पे केवल एस लगाने से ही मतलब बदल गया है। यहाँ बिसाइड है, केवल बगल में है उसके, बिसाइड्स माने के अलावा। ब्रिडल और ब्राइडल, लगाम है वो तो ब्रिडल है, जबकि ब्राइडल जो है वो दूल्हा दुल्हन से संबंधित है। यहाँ एल ई और ए एल का फर्क है। एल ई आ रहा है तो लगाम है, और ए एल आ रहा है तो दूल्हा दुल्हन से संबंधित है। बेनिफिशियल लाभदायक है, जबकि बेनिफिशियरी लाभान्वित व्यक्ति जो है वो बेनिफिशियरी है। बोर सुअर होता है, बी ओ ए आर, क्योंकि बी ओ आर ई बोर माने बर्दाश्त करना होता है। यहाँ पे आर ई और ए आर का फर्क है। ए आर है वो सुअर है, और आर ई बर्दाश्त करना हो गया। बोट खरीदना होता है, जबकि ब्रोट होता है वो लाना होता है। यहाँ पे केवल आर का फर्क है, बोट में आर और आ गया बी के बाद में, तो ब्रोट हो गया है तो लाना हो गया। यानी बोट मान तो खरीदना हो गया, कोई हम चीज़ खरीद रहे हैं सेकंड फॉर्म में बाई की, ब्रोट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में, ब्रोट लाना। इसी के साथ करते हैं अब आगे के, कल देखेंगे। थैंक्स।